और बिहार में मुख्यमंत्री जो अभी नीतीश कुमार जी है, आगे के मुख्यमंत्री के लिए फिर नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, नीतीश कुमार का मैंने क्रियाकलाप खत्म। हाँ, वो जो है मैंने टिटिर की तरह तीन बार टिटिर जो है ना उड़ते उड़ते उड़ना सीखते हैं। अब ये उड़ जाएंगे। ये जो है ना सहारा वाला मुख्यमंत्री है, ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है भीतर का। ये सरकार के बड़े से कर्मचारियों को अपना अधीन करता है और उनको जो रिटायरमेंट हो जाता है प्रधान सचिव उसको अपना जोड़े रखता है रिटायर होने के बावजूद भी, इसलिए कि जो उनका जो कुछ पहले का गलत नीति है और जो जो इनके मैंने बड़े लोग जो हैं जो उनके साथ में रहते हैं उन मैंने हम एक बार पटना गए जो एक जगह स्टेडियम में बैठे हुए थे जो पता चला कि वहाँ दो चार दस बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे थे तो उन लोगों से गपशप हुआ तो उन लोगों ने कहा कि नीतीश का राज नीतीश का ताज और भुइयार का राज एक ही है। हाँ, एक ही है। और इस तरह से नीतीश बाबू ने भी बहुत गलती की है, नहीं की है सो बात नहीं है, खाली उसका भंडाफोड़ अभी नहीं हो रहा, सब पर्दे में। इसलिए सचिव जो बिहार के जो मुख्य अधिकारी जो हैं वो इनको उनको ये क्रस में रिटायरमेंट के बाद भी ये अपने मैंने अपने देखभाल में रखते हैं। तो कहें उनके सच्चाई का भांडा न इसके लिए जो है सचिव को बदलते नहीं है। बदलते नहीं, वो जो सचिव रिटायर कर गया वो उसको उसी को रखे हुए रहते हैं। अगर कोई नया सचिव आ जाएगा तो भांडा फूट जाएगा, भांडा फूट जाएगा। तो क्या लगता है कि अगर मुख्यमंत्री के पद से हटेंगे तो जो जाना पड़ सकता है क्या? रुचल जाना होगा, ये जाना होगा। जेपी मोमेंट में गांधी मैदान में जेपी का आह्वान हुआ संपूर्ण क्रांति का, और उनके आह्वान पर हम लोग जेल गए। जेल जाने के बाद जेपी के आह्वान पर जेल गए, और इंदिरा गांधी का मीचा DIR के आह्वान पर जो लोग जेल गए उनको जो है सो मैंने उनको जो है सम्मान किए, और जो जेपी के आह्वान पर जेल गए उनका अपमान किए। इनको जो मैंने इतिहासकार भी नहीं छोड़ेगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लायक बिहार में नहीं रह गए? नहीं, अब इनकी योग्यता का कोई आधार नहीं है। तो खुद कुर्सी छोड़ देना चाहिए। हाँ, कुर्सी छोड़ देना चाहिए। बहुत लालची है भीतर के, ये सट्टा लोभी है। बिना सीट रहते ही मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार है। हाँ, ये बैलगोर से आते हैं लोग, ये लालू राबड़ी ये जो परिवारवादी जो लोग हैं चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये इलेक्टेड मैन मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। ये तो आपको अपने तो नीतीश कुमार का वोट नहीं देता है, ये तो चुनाव खुद नहीं लड़ते हैं। हाँ, चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये कॉर्पोरेट मुख्यमंत्री, ये पब्लिक को कभी चुना ही नहीं। एक बार खड़ा हुआ, एक बार हुए, एक बार मात्र हुए। हाँ, और उसके बाद खड़ा होना छोड़ दिया। हाँ, वो जो उस बार कॉप के मैंने कॉप करता है मैंने वैसे भारत के जब पब्लिक इनको अच्छा मानता है, इनके नजर में अगर पब्लिक सही है, नीतीश कुमार जी अगर वो समझते हैं कि हम भी बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन में खड़ा क्यों नहीं? इनका वजह है कि ये तो पता है कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे। हाँ, इनका वजह है कि ये जो है ये घमंडी है। अच्छा। और दूसरा ये बात जैसे कि एक बार आपके नशाखोरी के विषय में इन्होंने मैंने पुलिस को अगवा किया कि पुलिस इनका धर पकड़ करे, और हमने उनको राय दिया था अखबार समाचार मीडिया के माध्यम से कि नहीं, आप ये अधिकार पंचायती राज को दीजिए और सरपंच जो है उसको अधिकार दीजिए, उसको फोर्स दीजिए, शक्ति दीजिए, क्योंकि वो पंच जानता है, सरपंच जानता है कि किस गांव में कौन शराब है। लेकिन पुलिस को अधिकार शराब के मामले में मत दीजिए। हाँ, पुलिस को शराब के मामले में नहीं दीजिए, और इस तरह से सरपंच जो है जो उन व्यक्ति पीता है पी रहा है उसको रिमाइंडर करेगा कि भाई तुमको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह से पंचायती राज सशक्त होता है। गांधी का भी सपना जो है जो पूर्ण होने के रास्ते पर आता, आप नलकूप योजना लगाए, कौन शब्द योजना लगाए, सब ने भ्रष्टाचार में जो डूब गया। नीतीश कुमार जी के महत्वाकांक्षी योजना नल जल,
आज न तो उनका महत्वाकांक्षी योजना जो नव जल है चल रहा है एकदम, मैंने उसको कहा जाएगा टोटल नल जल बंद है। हाँ टोटल बंद है टोटल एक तो हाँ